भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसके लिए नहीं बोलोगे? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, दम जोर से ताज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, राज बदल दो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनएक्ट गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर साइड इज। मैं हूं कृपा शंकर सिंह पांडे और मेरा जन्म स्थान और उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर जिले में। 40 साल में शंकर सिंह पांडे, हाँ जी, ये एक महान आंदोलन का आगाज है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, ये हमारा प्रिंसिपल है, आदर्श है, सिद्धांत है। इसके लिए हमने नेशनल पार्टीलेस डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की एक संस्था बनाया हुआ है, इसकी कार्यकारिणी भी गठित हो गई है दिल्ली की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी आ जाएगी। उद्देश्य यह है कि भारत देश में पार्टीलेस डेमोक्रेसी आए, जनता का असली राज आए। अभी जो राज है वो पार्टियों का, पार्टियों के लिए पार्टियों द्वारा है, जिसका सब लोग देख रहे हैं कि क्या हाल हो रही है। और हमने ये डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे कि राजनीतिक पार्टियां ही बीमारी है। इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारा प्रयास हो रहा है उसमें राजनीतिक पार्टियां बीमारी है, जितनी भी बीमारी है उनकी जड़ है। तो राजनीतिक पार्टियां ही अगर ना हो, तो ना होने के लिए ऐसा नहीं है कि हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, राजनीतिक पार्टियां बीमारी है, राजनीति अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। तो राजनीति एकदम अच्छी कैसे हो जाए और अच्छी चीज कैसे हो, अपने करने लगते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हाँ, तो लोग जो अपने लिए करने लगते हैं वो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पार्टियां हो गई है, पार्टियों के साथ ही लोग करने लगते हैं। अगर पार्टियों से हम हटके पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात का मतलब है जो आजाद उम्मीदवार है संविधान के लिए, संविधान को मान करके जो काम करे उसके लिए हमने सारे सिस्टम बना रखे हैं। सिस्टम ऐसा है जो हमारे कैंडिडेट जाएंगे आजाद, नेशनल पार्टी करप्शन अकॉर्डिंग टू 2019 के पहले से हम लोग कार्यरत हैं। इसी सिद्धांत से हमने 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था नई दिल्ली क्षेत्र से, और बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारे साथ करीब करीब 25 लोग इस अलायंस में थे साथ में। उसमें एक विधान एक शपथ पत्र देके जाना पड़ता है, सारे शपथ पत्र देके आए थे। कोरोना काल में बीच में गैप हुआ, लेकिन अब ये मुहिम एक महाजन आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है। महाजन आंदोलन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे देखने गए तो बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन कार्यकारिणी हमारी 9 लोग की गठित हुई है दिल्ली प्रदेश में। तो दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी काम कर रही है। मैसेज यह है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी को आप समझो, ऐसे उम्मीदवार चुनो जनता के लिए है, ऐसे उम्मीदवार चुनो जो कि आजाद उम्मीदवार हो और वो शर्तों में बदले। हमारा एक शपथ पत्र है, उसको भरे, उसको समझे वो क्या चीज है, और जा करके जो जनता का असली राज होता है उसे स्थापित करें, क्योंकि जनता का असली राज अभी है ही नहीं। ये पार्टियों का, पार्टियों द्वारा पार्टियों के लिए राज है, सत्ता से पैसा और पैसे चाहते हैं।